subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजवीर कोहली, आई एम फ्रॉम SPY मीडिया। सो दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने SPY मीडिया यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो ब्रेन से रिलेटेड लेकर आया हूँ। मैं आज आपको बात करूँगा, आपसे बताना चाहूँगा कि हमारे ब्रेन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो शायद आपको पता हो या ना हो। अगर पता है तो ज़्यादा अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो शायद दोस्तों आपके आगे काम ही आने वाली है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ब्रेन हमारे शरीर का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। ब्रेन अगर हमारे दिमाग में ना हो तो एक तरीके से हमारा दिमाग पैरालाइज ही है, हमारा शरीर पैरालाइज है। हमारा दिमाग ही कंप्यूटर से भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। हमारे दिमाग ने कंप्यूटर जैसी चीज़ों को विकसित किया है, ना कि कंप्यूटर ने दिमाग को विकसित किया है। कुछ लोगों का दिमाग इतना तेज़ होता है जो कंप्यूटर से भी बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। उसका सबसे मेन मुख्य कारण क्या है? उनके ब्रेन की मेमोरी पावर। अब ये ब्रेन पावर कहाँ से आती है? ये हमारे दिमाग के कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जिनकी वजह से हमारा दिमाग दिन पे दिन विकसित होता रहता है। तो दोस्तों, आइए मैं बात करता हूँ दिमाग के बारे में कि हमारा दिमाग किस तरह है, कितना GB हमारा दिमाग है और कितना इंटरनल स्टोरेज हमारे दिमाग में हो सकता है। दोस्तों, जैसे कि हमारा दिमाग, एक विकसित मनुष्य का जो दिमाग होता है वो 1 TB से लेकर 2.5 PB होता है, यानी कि 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB, 1024 GB इज इक्वल टू 1 TB, 1024 TB इज इक्वल टू 1 PB हमारे दिमाग की मेमोरी होती है। यानी कि अगर मोटा मोटा देखा जाए तो हमारे दिमाग में कम से कम 25 लाख GB मेमोरी होती है। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमारा दिमाग कोई मेमोरी बल नहीं है, ये हमारा दिमाग अनलिमिटेड मेमोरी बल है। आप इसमें जितना डेटा डालोगे हमारा दिमाग उतना ही ज़्यादा डेटा स्टोर करता है। तो दोस्तों, आपको एक नॉलेजेबल बात और बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को कि हम अपनी लाइफ में अपना दिमाग कितना यूज़ करते हैं, हम अपना दिमाग कितना यूज़ करते हैं अपनी पूरी लाइफ में। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, हम बचपन से लेके बुढ़ापे तक यानी पूरी लाइफ तक मैक्सिमम 512 MB ही यूज़ कर पाते हैं। क्यों? इसका मेन कारण ये है क्योंकि ज़्यादातर एक जो नॉर्मल इंसान होता है, एक आम इंसान होता है, वो अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादातर देख कर, किसी से गाइडलाइन फॉलो कर कर या सुन कर बातों को या वर्क को करता है, तो वो अपने दिमाग का ज़्यादा यूज़ नहीं करता। लेकिन एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, ये लोग ऐसे हैं जो अपने दिमाग का 1 GB डेटा यूज़ करते हैं। और ग्रेट साइंटिस्ट जिन्होंने बड़े बड़े आविष्कार किए हैं, ग्रेट साइंटिस्ट अपने दिमाग का मैक्सिमम 5 GB तक डेटा यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, है ना इंटरेस्टिंग बात? तो दोस्तों, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ ऐसी नॉलेजेबल और बातें के लिए दिमाग से जुड़ी हुई। तो दोस्तों, हमारा दिमाग ने, आपने कभी सोचा कि हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है? कभी ये सोच रहे हैं, कभी वो सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसे सोचते रहते हैं। इसका मेन कारण क्या है? इसमें सबसे ज़्यादा जो पावर आती है हमारे दिमाग पे, हमारे न्यूरॉन्स की वजह से आती है। अगर हम कुछ सोच रहे हैं, सुन रहे हैं या देख रहे हैं या हम बात कर रहे हैं, तो वो उन न्यूरॉन्स के ज़रिए होता है। अब हमारे दिमाग में वो न्यूरॉन्स, छोटे छोटे न्यूरॉन्स कितने हैं या कितने ज़्यादा हैं? तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स लगभग 100 अरब न्यूरॉन्स हैं। अब इन न्यूरॉन्स को हम लोग फिट कैसे रख सकते हैं, अपने दिमाग को और ज़्यादा तेज कैसे कर सकते हैं? तो अपने न्यूरॉन्स को फिट रखने के लिए, उनको तेज़ करने के लिए, हम मॉर्निंग में एक्सरसाइज, डांस, कार्डियो जैसी एक्सरसाइज हम लोग कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे न्यूरॉन्स बहुत अच्छी तरीके से वर्क करते हैं और न्यूरॉन सिस्टम, जो हमारे न्यूरॉन सिस्टम होता है दिमाग का, वो ग्रो होता है। ज़्यादातर जो बच्चे स्ट्रेस या टेंशन में रहते हैं, या जो बच्चे या जो लोग टेंशन या स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, तो क्या होता है, हमारे शरीर में एक कोर्टिसोल नाम का केमिकल रिलीज होता है जो हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने दिमाग के न्यूरॉन्स को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, और ज़्यादा विकसित करना चाहते हैं, तो आप डेली बेसिस में मॉर्निंग में या आपके पास जब भी कोई टाइम हो तो आप उसको एक्सरसाइज करें या डांस कार्डियो करें, तो जिससे आपके दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं वो बहुत भी ज़्यादा विकसित होंगे। अब बात आती है कि हम बात करते हैं कि हमारा जो ब्रेन होता है वो कितना होगा,
कितने ग्राम का होगा, किलो में होगा या ग्राम में होगा। तो दोस्तों मैं आप सभी को बताया, तो एक विकसित मानव जो होता है उसके दिमाग का जो वेट होता है वो मैक्सिमम 3 पाउंड्स का होता है, यानी कि आप मान के चल सकते हैं कि 1300 से लेके 1400 ग्राम। हमारे दिमाग में लगभग 70 से 75% पानी से बना हुआ है। अगर हमारा दिमाग और हमारे ब्रेन के न्यूरोस ज़्यादा से ज़्यादा विकसित हो तो दोस्तों आप सभी को डेली बेसिस में आधा घंटा या 1 घंटा निकाल के आप अपने लिए एक्सरसाइज करें और डांस कार्डियो करें, जिससे आप अपने ब्रेन को फिट एंड फाइन रख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो या वीडियो में बताई गई बातें आपकी समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, और मिलता हूँ आप सभी से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो में बताई गई जो बातें अगर आपको समझ में आई हो या वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियोस, चैनल की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलता हूँ आपसे दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।